ये है ललमटिया कोयला खदान है, जो कि राजमहल प्रोजेक्ट ECL के अंतर्गत आता है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी एक आ रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है एकदम। ये गाड़ी बहुत बहुत बड़ा गाड़ी है, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ऐसे कोयला लेकर के जाते हैं यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वेयर बेल्ट है, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। इसमें कोयला जा रहा है, ये जो अभी चालू है इसे कोयला जा रहा। आप लोगों को रात का व्यू भी दिखाएंगे। ये जो लाइटिंग इसमें लगा हुआ है, रात में बहुत और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये मेरा दोस्त है जो कि अभी गुटखा निकालने वाले थे और अभी फिर से रख लिया। हम लोग बाइक से आए हुए हैं, स्कूटी से, और आप देख सकते हैं दूसरे साइड भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये है हमारे झारखंड का नहीं बोल सकते हैं, पूरा एशिया का सबसे बड़ा ओपन कोल फील्ड है ये। आप लोगों को दिखाएंगे हम कुछ आने वाले वीडियो में दिखाएंगे कि वो कोयला खदान किस तरह है। ये इंट्रेंस है, यहाँ से मतलब गाड़ियाँ घुसती है कोयला मतलब खदान के अंदर। और ये ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसको बोलते हैं ECL, जो कि बहुत बहुत बड़े एरिया में ये वाला कोयला खदान फैला हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें ये जो देख रहे हैं ना आप, इस पर कोयला जाता है, मतलब खदान के अंदर से कोयला जाता है। इसके अंदर ही कन्वेयर बेल्ट है ये, और देख सकते हैं वो वहाँ पे क्रेशर लगा हुआ है, वहाँ से ट्रक वगैरह सब जाते हैं उधर, उसका मेन ये है। यहाँ से ये एंट्रेंस है, ये ब्रिज है, और देख सकते हैं काफ़ी बहुत अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से। आप लोगों को रात का व्यूज़ भी दिखाएंगे यहाँ से। और हम हालांकि पहले ही शूट करके रखे हुए हैं, और अब भी इस वीडियो पे ऐड कर देंगे रात का व्यूज़। काफ़ी बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत दृश्य दिखने को मिलेगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं, मेरा नाम तर्किश्वर महतो है और हम यहीं के रहने वाले हैं, ललमटिया गांव के रहने वाले हैं हम लोग, इजुकिता ललमटिया गांव। और ये हम लोग का गांव से जस्ट मतलब 200 मीटर के दूरी में है, हम पास के रहने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं नज़ारा मेरे पीछे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग अगर ललमटिया आए कभी तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको घुमा देंगे। और देख सकते हैं अभी हम लोग जाएंगे ऊर्जानगर घूमने के लिए जाने वाले हैं, बस ऐसे ही नाश्ता वगैरह करेंगे उधर में जा कर के, चाट चाउमीन गुपचुप वगैरह सब। तो वीडियो पे बने रहिएगा और आप लोगों को दिखाएंगे एक से एक अच्छा अच्छा लोकेशन दिखाएंगे हम लोग के एरिया का, मेरे गाँव का, और मेरे गांव के कैसे रहते हैं हम लोग, इधर का इलाका और इधर के एरिया में कैसे लोग रहते हैं, कैसे काम करते हैं, सभी लोग देखेंगे आप लोग। तो हम लोग वही भरने वाले हैं, तो ले लिया हम लोग आधा लीटर 50 रुपये। हाँ, तो ये हम लोग का स्कूटी है और हम लोग तेल भरने वाले हैं अभी। टैंकी तक जाने के लिए हम लोग टैंकी तक जाने के लिए भी मतलब तेल नहीं था, तो भरने वाले हैं, ये अभी भर रहा है। तो हम लोग अभी सिमड़ा गांव में हैं और देख सकते हैं अच्छे दुकान है इला के मतलब। हाँ, हम लोग ऊर्जानगर आए हुए थे मतलब नाश्ता वगैरह करने के लिए, पर यहाँ पे एक छोटा सा मेला लगाया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी घूम लें, तो आप लोग को दिखाएंगे कि देखते हैं। मतलब छोटा सा मेला लगाया है, अच्छा सा, उतना भी बड़ा नहीं है, पर फिर भी तो हम लोग मतलब लकी हो गया कि हम लोग को मतलब पता नहीं था कि मेला लगा है यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे अभी, आप लोगों को भी दिखाते हैं, वीडियो पे बनाई रही है। हम लोग आए, हम पहुँच चुके हैं
अभी घुसने वाले हैं। छोटा सा ही मेला है, पर देख सकते हैं आप लोग पहुंच गए हैं और आप लोगों को दिखाएं। सो गाइस देख सकते हैं कुछ ऐसा है, ऐसा दिख रहा है नज़ारा। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, ये इधर कपड़ा वाला स्टॉल है, यहाँ पे अलग अलग तरह के कपड़े हैं और सिल्क का कपड़ा, चादर वगैरह है, और इधर खादी का कपड़ा वगैरह सब का स्टॉल है, अलग अलग तरीके का स्टॉल है। ये है बहुत खूबसूरत सा, यहाँ पे मूर्ति वगैरह सब का स्टॉल है, आप देख सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत सा स्टॉल है, हाँ काफ़ी बहुत सुंदर सुंदर सा सामान यहाँ पे मिल रहा है। इधर भी कपड़ा वाला स्टॉल है। हेलो, ये यहाँ पे लेडीज लोगों का चप्पल लोग जूता का दुकान है। संडे तक ही हम लोग रहेंगे सर। हाँ हेलो भैया, गुड इवनिंग। क्या कीजिएगा सर? बस ऐसे ब्लॉग वीडियो है, ब्लॉग सुंदर जूता वगैरह सब है। ये उर्जानगर ECL उर्जानगर ECL का छोटा सा मेला जैसा लगा है, वहाँ का दृश्य है। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी छोटा सा कपड़ा स्टॉल है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा है, लेडीज लोगों के लिए कपड़ा है। इधर में सॉक्स, मोजा, बच्चे लोगों के लिए, बड़े लोगों का भी है। यहाँ पे ये लेडीज लोगों के लिए कान का झुमका वगैरह वगैरह सब है, इतना खूबसूरत दिख रहा। देखिए लो भैया, हाय। और ये नेकलेस वगैरह सबको देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा एकदम नज़ारा है। ये हम लोग का ECL उर्जानगर का सीन है, उर्जानगर में छोटा सा मेला टाइप से लगा है, तो वहाँ का ये दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए काफ़ी सुंदर सा बच्चों के लिए है ये सब, ये ज़्यादातर सामान बच्चों के लिए ही है, देख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इधर भी, यहाँ भी कपड़ा का स्टॉल है, फिर ये नेकलेस वगैरह का। यहाँ पे घर का सामान वगैरह का स्टॉल है, झाड़ू वगैरह सब देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सामान वगैरह सब है। ये साफ वगैरह करने के लिए बर्तन, घरेलू सामान का दुकान है ये। काफ़ी सुंदर सुंदर सा सामान यहाँ पे मिल रहा है, हाँ आप लोग को दिखाते हैं एकदम बहुत मस्त वाला जगह। ये अचार है, अचार का स्टॉल है, यहाँ पे हर तरह का अचार वगैरह सब मिलते हैं, देख सकते हैं। ये अलग अलग तरह का अचार देख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग वेरियंट। यहाँ चिप्स है, ये बहुत तरह के आलू वगैरह का चिप्स है, देख सकते हैं। ये गुलदस्ता वगैरह का स्टॉल है, काफ़ी खूबसूरत ये गुलदस्ता है। यहाँ पे टेडी बियर वगैरह सब है,
अरे ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे नाम लिखवा सकते हैं, हाँ चावल, चावल में भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। देखिए ये जो चावल में नाम लिखते हैं, चावल चावल में ये जैसे ऐसे कमल, फिर सृष्टि, ये विजय, ऐसा ऐसा नाम लिख सकते हैं। इनसे मिलिए, बहुत टैलेंटेड आदमी है ये। हाँ तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो जरूर ऐसा, मतलब अगर किसी के लिए लेना चाह रहे हैं, सपोज करें कि अपने अपने लिए या तो अपने दोस्तों के लिए, तो बनवा सकते हैं यहाँ पे। और दूसरे यहाँ पे बहुत अच्छा स्टॉल है, जैसे लॉटरी टाइप कुछ यहाँ पे, यहाँ से होते ना वो खेलने खेलने वाले, मतलब किस्मत आजमा सकते हैं इधर लॉटरी। बहुत बहुत अच्छा सा स्टॉल एक है, जो कि इसमें मतलब बच्चों का सामान वगैरह सब लड़कियों के लिए है, देख सकते हैं ये ऐसा बहुत अच्छा अच्छा सामान वगैरह रखा हुआ है। ये बच्चों का स्टॉल, एक कपड़ा स्टॉल फिर से मिल गया। एक्चुअल में ये लेडीज लोगों का बैग वगैरह का स्टॉल है, और एक फिर से एक खिलौना टॉय स्टॉल मिल गया बच्चों के लिए। इधर बहुत अच्छा अच्छा खिलौना वगैरह सब है। ऐसे यहाँ पे और एक ज्वेलरी शॉप है, काफ़ी खूबसूरत सुंदर सुंदर सा यहाँ ज्वेलरी है, आप लोग देख सकते हैं। वाव भाई, फेसबुक में डाल दिया गया, फेसबुक में नहीं, फेसबुक में, यूट्यूब में, यूट्यूब में, हाँ तो हम लोग के पास कैसे आ गया था? यूट्यूब में देखिएगा, यूट्यूब में पास क्या नाम था सर? मेरा इम्प्रेसिव झारखंड। हाँ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा ये है, मतलब नेकलेस वगैरह है इधर। वो अंकल जी सो रहे क्या? हेलो देखिए यहाँ पे ये आलू टिक्की चाट, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं एकदम। यो वाह, लो भैया इधर देखिए। घूमना हो गया, अब जाएंगे, जाने वाले हो गया, अब हम लोग जाने वाले हैं वापस उधर। नहीं मजा तो ये देख सकते हैं, जो कि हम लोग छोटे बचपन में खेलते थे इसको, ये छोटे छोटे होते हैं, इसको पानी पानी में मतलब फूल जाता है, पानी में देने के बाद इस तरह देख रहे हैं इसको, इस तरह फूल जाता है। सामने सुपर के हम लोग बचपन में इस तरह वाले चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, अभी मतलब बचपन में खेला करते थे इस सब से। जो जो हम सुबह देखें इधर में काफ़ी सारे हैं, इधर बर्तन का ये है स्टॉल है, तो बहुत अच्छा से डेकोरेशन करके रखा हुआ है। इधर है सोफा वाले, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मेरा छोटा सा चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक